स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और यह वीडियो लेकर उपस्थित होने का कारण यह रहा कि अब साक्षात्कार की तिथि घोषित की जा चुकी है और जिन लोगों ने यह मुकाम हासिल किया है, जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष के सुखद परिणाम को हासिल किया है, प्रतिफल को हासिल किया है, वे बधाई के पात्र हैं। जिन्हें यह मौका नहीं मिला उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में यथाशीघ्र वैकेंसी आने वाली है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी अभी आई हुई है, रीओपन हुई है, वे भी उसको फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि जिस तरह से आपने अपने योग्यता को साबित किया है, एक बार पुनः 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, और उसके बाद आपका वह सपना, वह स्वर्णिम स्वप्न पूरा हो जाएगा और आपकी अपनी, आपके आने वाली पीढ़ियों के सपने भी पूरे हो जाएंगे। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान आपने रीटन एग्जामिनेशन में दिखाया है, वह यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण में भी अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता है। और वह कैसे सिद्ध करेंगे? बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो, थोड़ी सी आपकी जानकारी का दायरा बढ़ जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता। वहाँ पर आपका जवाब अगर सूटेबल होता है फिर तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए क्योंकि यह जो मुकाम आपने हासिल किया है वह अपने बल पर हासिल किया है, खैरात में किसी ने आपको नहीं दी है। बस आप थोड़ी सी अपनी पकड़ पैनी कर दीजिए। इधर बीच की जो भी घटनाएँ हो रही हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, जो कुछ भी क्लाइमेटिज है, जो कुछ भी विश्व पटल पर चल रहा है, उनको थोड़ी सी जानकारी रखिए। विषय की जानकारी तो आपको होगी ही होगी, आप उसमें डॉक्टरेट हैं, आप उसमें नीट हैं, जेआरएफ हैं, और वो तो आशा आपसे की जाती है। आपको थोड़ी सी बस एक दो डेमो अगर देने के लिए कहते हैं, पढ़ाने के लिए कहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। उससे संबंधित जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, उससे संबंधित जो भी क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं, वह भी आप अपने दिमाग में लेकर चलेंगे कि यह प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसका जवाब हम देंगे। और जहाँ तक इंट्री की बात है, जहाँ तक प्रवेश करने की बात है, पोलाइटली बात करने की बात है, विनम्रता की बात है, यह तो आप जान ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा भड़कीला ड्रेस नहीं पहनना है, बहुत ज़्यादा आकर्षक चकाचौंध वाली ड्रेस नहीं पहननी है, एक संतुलित ड्रेस पहननी है, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी, क्योंकि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट आप समझ सकते हैं, उसकी जो भी प्रेस्टिजियस जो जॉब है वह आपके उत्तरदायित्व का वाहक है। वहाँ पर आपको दिखाना है कि आप समाज के निर्माण में अपनी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, आप नौजवानों को किस तरह से उत्प्रेरित कर सकते हैं, आप में वह क्षमता, वह योग्यता, वह पूरी तरह से प्रतिफलित होनी चाहिए, जिससे कि जो इंटरव्यूअर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको चयनित कर सकें। अगर आपके पास डॉक्टरेट है, आप समझ सकते हैं कि आपके पास, आपके हाथों में थीसिस होगी, आपके पास पेपर जो आपका पब्लिकेशन है वह होगा, तो उससे प्रश्न बनेंगे। जो नीट हैं, जो जेआरएफ हैं, उन्हें भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास योग्यता थी, उन्होंने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया, वे फ्रेशर्स हैं, भविष्य में वह डॉक्टरेट कर लेंगे यह तय है। तो वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनके में प्रीवियस में फाइनल ईयर के पेपर से, उनके स्पेशलाइजेशन पेपर बनते हैं, उसको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। और ये सारी नॉर्मल सी बातें हैं, इससे पूर्व भी मैंने आपको बताई थी। बस सदैव एक आपके पास चिरपरिचित मुस्कान आपके चेहरे पर होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको नहीं आते रहे हैं और ये सभी के साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको लेकर के नर्वसनेस दिखानी है, मायूस हो जाना है, वो चेहरे पर झलकने लगती है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, हेजिटेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हो सकता है कि लगातार 5 सवाल आपके ना हो सकता है कि 15 मिनट आपका इंटरव्यू पूरी तरह से निराशा के दौर से गुजरे और अंतिम 5 मिनट आपके लिए सुखद हो जाए और वही चीज़ आपके फाइनल सिलेक्शन में भूमिका निभा दे। तो सदैव पॉजिटिव रहें, कभी भी वह समय मोड़ ले सकता है और कभी भी मौका मिले कि इंटरव्यू को आप अपनी तरफ घेर, अपने दायरे में लेकर के जाएं, जो भी, जिसमें भी आप परिपूर्ण हो, जो भी आपका क्षेत्र हो, जहां पर भी आप सुकून महसूस करते हो, जहां पर भी आपको लगता है कि यहां से मैं सारी बातों का जवाब दे सकता हूं, उधर घुमा करके ले जाने का कोई भी ऑप्शन मिलता है वहाँ पर ले जाएँ विनम्रता के साथ। कभी भी एरोगेंसी नहीं, किसी भी स्तर पर अपने एटीट्यूड को नहीं दिखाना है, सदैव कभी बायस्ड होकर के जवाब नहीं देना है। बस ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप अपने ध्यान में रखना है और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आपको अपने स्तर पर प्रैक्टिस करनी होगी, आंकड़ों को जुटाना होगा,
विषय से संबंधित जानकारी रखनी होगी, आपके थीसिस की, आपके डॉक्टरेट की, जो भी मेथोडोलॉजी है, जो भी हाइपोथेसिस है, जो भी उसकी फाइंडिंग है और उससे पूर्व लोगों ने काम किए हैं उनसे और आप में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। मेरे द्वारा इससे संबंधित वीडियो पहले भी डाला गया था, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारी चीज़ों से आप अवगत हैं। अगर किसी भी स्तर पर लगता है कि मेरी आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप करके उस प्रक्रिया से अवगत हो सकते हैं, अपने आप को और भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात सदैव अपने ध्यान में रखें कि आप योग्य हैं और आपको मौका मिला है, एक बार पुनः आपको अपनी योग्यता को साबित करना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।